नमस्कार दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप लोग शॉपिंग करने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ SBI क्रेडिट कार्ड, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना, जिससे आप लोग शॉपिंग करके अच्छे खासे रिवॉर्ड्स पा सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स इसमें मिलते हैं, और पॉइंट्स को आप लोग कलेक्ट करके उसको कैश में बाद में विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप लोग 100 रुपये स्पेंड करते हैं तो हर 100 रुपये स्पेंड पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, और हम हमेशा आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं ऑनलाइन परचेस ये सारे वेबसाइट पर, और यहाँ पर 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं ऑल अदर स्पेंड्स पर। तो आपको इसका चार्जेस वगैरह तो पता ही होगा, सालाना चार्जेस आपको 500 प्लस GST लगता है, 499 प्लस GST, और अप्लाई करने का भी 499 प्लस GST आपको इसका लगता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फाइनेंस चार्ज, कैश एडवांस फी, कैश पेमेंट फी, लेट पेमेंट का कितना चार्ज लगेगा, सर आप दिए हुए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप लोग इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ से आपको इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको कैश कैरो का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाना, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रहा है, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। तो देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे इससे आप लोग बनाएंगे सिंपली क्रेडिट कार्ड तो अर्न 1000 रिवॉर्ड, यहाँ पर 1000 रुपये का आपको फ़ायदा होने वाला है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अर्न 1000 रिवॉर्ड नाउ के ऊपर क्लिक करना, तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा कैश करो से SBI की वेबसाइट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछ रहा है डू यू ऑलरेडी हैव SBI क्रेडिट कार्ड, क्या आपके पास पहले से SBI क्रेडिट कार्ड है। तो आपके पास यस है तो नो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर आपको अपने पर्सनल डिटेल्स डालना पड़े, जैसा कि यहाँ पर टाइटल डाल देना है मिस्टर मिसेस, यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देना है, मिडिल नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है एज पर पैन कार्ड। फिर आपको रेजिडेंशियल सिटी डाल देना, कौन सिटी से बिलोंग करते हैं, एक ईमेल एड्रेस डाल देना जिस पर आपको मैसेज आएगा, और आपका जो है कन्फर्मेशन रेफरेंस नंबर वगैरह भी आएगा, और अगर आपके पास रेफरल कोड है तो वो भी आप लोग यहाँ से डाल सकते हैं। फिर आपको जो भी मोबाइल नंबर उससे लिंक करना अपने क्रेडिट कार्ड से, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सेंड OTP करेंगे। जैसे सेंड OTP करेंगे, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर OTP सेंड किया जाएगा, OTP फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल्स यहाँ पर डालना होगा, आपका ऑक्यूपेशन क्या, आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सैलरीड पर्सन या फिर रिटायर्ड पर्सन है तो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको सालाना इनकम 30,000 रुपये होनी चाहिए, और अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप लोग कम से कम 30,000 रुपये आपको होने चाहिए मंथली। तो यहाँ पर कंपनी का नाम डालेंगे, जिस भी कंपनी में आप लोग काम करते हैं, डिजाइनेशन आपका पोस्ट क्या वो डाल देंगे, और यहाँ पर एनुअल इनकम आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से जितना भी है आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पर पिन कोड डाल देना, ऑफिस के जहाँ पर आप लोग काम करते हैं वहाँ का पिन कोड, आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना, और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना एज़ पर योर पैन कार्ड, पैन कार्ड में जैसा है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करें, उसके बाद करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस में आपको अपना रेसिडेंशियल एड्रेस डाल देना, जहाँ भी आप लोग परमानेंटली रह रहे हैं, जो भी आपका आधार कार्ड में वैसा सेम टू सेम वहाँ पर डालेंगे, एरिया लोकेलिटी पिन कोड वगैरह जो पूछता है वैसे ही आप लोग डाल, जैसा कि आप लोग स्क्रीन शॉट यहाँ पर देख सकते हैं बगल में पेज पर, तो वो सब आपको फिल कर देना। उसके बाद जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, आपका एक रेफरेंस ID जनरेट, रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, रेफरेंस नंबर आपको मैसेज भी आ जाएगा, और आपके ईमेल ID पर भी भेज दिया जाएगा, उससे आप लोग अपना एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद SBI की तरफ से KYC करने के लिए SBI के एक एजेंट आपको कॉल करते हैं, उसके बाद KYC के लिए आपको एड्रेस वगैरह पूछते हैं। तो एड्रेस वगैरह जब आप लोग विजिट करते हैं, उसके बाद आपके आधार कार्ड पैन कार्ड को वेरीफाई करते हैं, हो सकता है आपका इनकम प्रूफ भी लिया जाए, तो ये सारी बातें हैं KYC के लिए। तो जैसे आपका KYC अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद जो है SBI क्रेडिट कार्ड आपको जो है अप्रूव हो जाएगा और अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर आपको जो है आपका SBI क्रेडिट कार्ड आपको बाय पोस्ट मिल जाएगा, या फिर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा 10 दिन के अंदर ही। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है गाइस। अगर आप लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं SBI के वेबसाइट पर जाके, तब वो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको कोई भी बोनस कैश नहीं मिलने वाला। अगर आप लोग
डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपको 1,000 का बोनस मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो मुझे ऐसा आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करके हमारे चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल अपने वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन अभी भी बचा हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। अगर आप लोग इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक लेकर हमारे नेक्स्ट स्टेज चाहेंगे।